हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ कमलेश कुमार फ्रॉम जयत्री एकेडमी। डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल एक्सप्लेन बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 5th SST। इन दिस फर्स्ट वी स्टार्ट MCQ ऑफ दिस चैप्टर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज The kind of weather that place have over longer period time is called। देखिए, लंबे समय तक मौसम की जो परिस्थितियाँ उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ क्लाइमेट, उसको हम जलवायु बोलते हैं। ठीक, लंबे समय तक एवरेज वेदर कंडीशन को हम क्लाइमेट बोलेंगे। तो योर आंसर इज ए। सेकेंड इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मेनली डिपेंड्स अपॉन द, किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, उसके तापमान पर निर्भर करता है किस तरीके का तापमान वहाँ पे है। थर्ड इज द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इन टू, जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है, इट डिवाइड्स इन टू 2 पार्ट्स। योर आंसर इज सी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। हियर यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन है द डैश डिवाइड द अर्थ इंटू 2 पार्ट्स, पृथ्वी को 2 भागों में क्या बांटता है। आंसर इज इक्वेटर। इक्वेटर पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। द हायर वी गो कूलर इट गेट्स, जैसे हम ऊँचे जाएंगे तो क्या हो, जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है, ठंडा होता जाता है। थर्ड इज ह्यूमिडिटी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कि किसी भी स्थान की जो ह्यूमिडिटी है वो उसके क्लाइमेट को प्रभावित करती है। द टॉरिड जोन लाइज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, टॉरिड जोन वो कहाँ है, इक्वेटर के आसपास के एरिया को टॉरिड जोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशंस होती। ठीक है, एज वी गो टुवार्ड्स द पोल्स द रेज ऑफ सन बिकम्स, जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो सन रेज होती है वो कैसी तिरछी होती जाती है, स्लैंटिंग होती जाती है। नेक्स्ट इज राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपको फॉल्स लिखना है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्री लिखना है, जो टी लिखना है। फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज फ्रॉम मंथ टू मंथ, क्लाइमेट है वो मंथ टू मंथ चेंज होता है, नो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। द एयर इन डेजर्ट्स हैज लो ह्यूमिडिटी, डेजर्ट की जो एयर है उसमें लो ह्यूमिडिटी होती है, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड इज डेज आर लॉन्गर नियर द इक्वेटर देन फॉर फ्रॉम इट, देखिए इक्वेटर के पास में जो डेज होते हैं वो लंबे होते हैं, ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द सीजन्स। मोस्ट प्लेसेस इन द टेम्परेचर टेम्परेट जोन हैव माइल्ड क्लाइमेट, देखिए टेम्परेट जोन में माइल्ड मीन्स होता है एवरेज वेदर, मतलब हॉट और वेट क्लाइमेट, इट इज ट्रू। ए हाई माउंटेन सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन विल हैव माइल्ड क्लाइमेट, क्योंकि टेम्परेट जोन में अगर हाई माउंटेन है तो वह माइल्ड क्लाइमेट नहीं होगा उस पर, बिकॉज आपने पढ़ा होगा जितने आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज आता है, इट मीन्स इट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज अनस्क्रम्बल द फॉलोइंग लेटर्स टू द फॉर्म ऑफ करेक्ट वर्ड, देखिए कुछ वर्ड लेटर्स थी इनको करेक्ट वर्ड बना। दिस इज द हॉटेस्ट जोन, हॉटेस्ट जोन क्या होता है, टॉरिड। आपको यहाँ पर अनस्क्रम्बल वर्ड दिए, लेटर्स दिए उनको स्क्रबल करके आपको एक करेक्ट वर्ड बनाना है। तो आई हैव ऑलरेडी डू दिस, यू कैन सी हियर कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, प्रतिदिन क्या चेंज होता है, वेदर। द दिस हैज मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट मीन्स क्या होता है, टेम्परेट। दिस इज द कोल्डेस्ट जोन, कोल्डेस्ट जोन होता है फ्रिजिड जोन, जहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, दैट इज फ्रिजिड जोन, इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट है मैच द फॉल कॉलम, मैच द कॉलम्स रीजन्स इन फ्रिजिड जोन, देखिए जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही आर कोल्डेस्ट, बहुत ठंडे होते हैं। प्लेसेस नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास के जो स्थान होते हैं वेरी हैज वेरी कोल्ड क्लाइमेट, इक्वेटर के पास क्या कोल्ड क्लाइमेट होता है। प्लेसेस नियर द पोल्स आर हॉटेस्ट, जितने पोल्स के पास जाएंगे तो क्या वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। रीजन्स इन टॉरिड जोन
हैज़ हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। टॉरिड जोन में क्या होता है, हॉट और वेट मतलब गर्म और नम जलवायु होती है। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। टूडे ऑल विल कम्प्लीट दिस बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 एंड लर्न इट। थैंक्स स्टूडेंट।